नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैं आपको वेद माता गायत्री मंदिर शांति कुंज हरिद्वार के दर्शन कराने जा रहा हूं, जो कि रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर है। सामने गायत्री माता मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता है, तो चलिए दोस्तों यहाँ से अंदर की ओर को प्रवेश करते हैं। इस जगह पर आप कई सारे ऋषि मुनियों के दर्शन कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मश्री वशिष्ठ जी, ऋषि वाल्मीकि जी और भी कई सारे। अगर आपने अभी तक मेरी शांति कुंज हरिद्वार की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने शांति कुंज हरिद्वार की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। शांति कुंज हरिद्वार अखिल भारतीय गायत्री परिवार का हेडक्वार्टर भी है। अब आपके सामने वेद माता गायत्री मंदिर है, जहां पर आप माता के दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर ही शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी और उनकी पत्नी माता भगवती देवी शर्मा जी की तस्वीर मौजूद है। आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर काफी खूबसूरत बनाया गया है। सामने पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की मूर्ति है, आप इनके यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप ऋषि विश्वामित्र जी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप गायत्री माता मंदिर के लाइव दर्शन करना चाहते हैं तो आप सुबह 4 बजे से शाम 8 बजे तक लाइव दर्शन कर सकते हैं, जो कि शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। सामने विश्वामित्र टीन सेड और वशिष्ठ टीन सेड है। विश्वामित्र टीन सेड में श्राद्ध तर्पण कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं। दोस्तों अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।